मतलब मुझे लगता है कि गरीब को ही लगता है कि पैसा सॉल्यूशन है। हाँ, अमीर को नहीं लगता पैसा सॉल्यूशन है, अमीर को और भी कुछ चाहिए जो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है उसको, बस हाँ चाहिए उसको। हमारे पापा भी कौन सा ध्यान देते थे, वो बेचारे काम में लगे रहे। हाँ, हम शिकायत क्या करें, ये पता है भाई, ये थोड़ी उनकी दुकान पे जाके लिखा है बस दुकानदार बस पापा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मैं हूँ राजेश। और मैं हूँ दोस्तों शुभम। कंसिस्टेंसी के लिए आप हमें बधाई दे सकते हैं, अब हम आ गए होम ग्राउंड पे आते ही आप डबल सेंचुरी मारेंगे देख। अच्छा, होम ग्राउंड पे बस पाकिस्तान क्रिकेट टीम है जो परफॉर्म नहीं कर पाती है। पिछले पूरे साल में सब टीमें आई दुनिया भर की, उनको घर में पेल के गई अक्रॉस द फॉर्मेट। ये समझ नहीं आ रहा कि पिच बनानी कैसी है। हाँ, देख अगर वो फ्लैट बनाते हैं तो सामने वाले उनसे अच्छी बैटिंग कर जाते हैं, अगर वो स्पिनिंग बनाते हैं सामने वाले की बॉल उनसे अच्छी टर्न हो जाती है। बधाई हो, बधाई हो पूरे देश को भाई, मैं हमने अपना नाम ऊंचा कर लिया है। ओ बल्ले बल्ले, ओए क्या था हमारा वो सिग्नेचर डांस, बल्ले 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 ओए भाई, 1.42 बिलियन अभी टॉप। यस, टॉप पे। और हम तो ऐसे खुश हो रहे हैं जबकि हमारा जीरो योगदान है, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। पर वही है कि नहीं, हम ऐसे खुद तो हैं, हमारे पिताजी का कंट्रीब्यूशन है, हमारा नहीं, हमारा है। आप किसी को अगर डाउट होता हो ना कि ये जिस सड़क को पार कर रहे हैं उस पे इतनी भीड़ कहाँ से है, जिस मेट्रो में चढ़ रहे हैं उसमें इतनी भीड़ कहाँ से है, मम्मी का डायलॉग भी तो होता है। कौन सा? जहाँ चले जाओ लोग ही लोग। आप तो, हम तो वो देखते हैं ना, पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिविटी देखते हैं हम, वो देखते हैं अपॉर्चुनिटी देखते हैं। क्या अपॉर्चुनिटी हो रही है अब वो देखेंगे क्या हो रही है देखेंगे कुछ नहीं। जैसे भाई सबसे जब स्कूल में डिबेट होती थी ना, पॉपुलेशन बेन और बून, हाँ ऐसा होता था भाई। एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ था स्कूल में, अच्छा मैं जीता था सेकंड प्राइज। क्या थीम क्या थी? जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट थी। मैंने क्या बनाया? अच्छा देखा, हिंदी में फिर भी जैसे इंग्लिश में लगता है पॉपुलेशन ग्रो इंक्रीज हल्का लगता है, हिंदी में जनसंख्या विस्फोट फट गई कि भाई जनसंख्या फट रही है, डरो इससे। इंग्लिश में क्या है? पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, इंडिया इज अ फास्ट ग्रोइंग कंट्री। नहीं नहीं, तो पॉजिटिविटी आ भी जाती है। पेंटिंग बनाई थी मैंने, क्या बनाया था? एक स्कूल, एक वो है, एक स्कूल है। अरे तूने कहीं से देख के बनाई थी? तेरी थॉट? नहीं नहीं, खुद से बनाई थी। तेरा थॉट था, पूरा आईडिया था। ठीक है, और स्कूल के बाहर एक पापा खड़े हैं और उनके, उन्होंने ऐसे हाथ, दो हाथ कर रखे हैं, तो उनके तीन चार बच्चे हैं ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के। और मुझे लगता है जिसके ऊपर मुझे सबसे इनाम मिला था वो, मैंने वो बड़े बड़े वो नहीं होते, एक टनल नहीं होते, सीवर बनता है, सीवर बनता है जिनसे, तो मैंने वो साइड में बनाया था और उसके अंदर दिखा था कि इसमें लोग रहते हैं। एक शर्ट टंगी हुई है और एक साइड में कुछ सामान रखा है कि मतलब जनसंख्या इतनी बढ़ गई है और ये अंकल है, इनके बच्चे स्कूल को देख रहे हैं, स्कूल नहीं जा पाते लेकिन ये रहते हैं इसके अंदर। और मुझे पता क्या इनाम मिला था? ये इनाम में पहले तेरा जान लूं फिर मैं अपना रिव्यू दूंगा। स्केच पेन इनाम, एक पैकेट छोटा वाला, पूरा वाला। पॉपुलेशन ही, गरीबी भी तो। आपने चार बच्चों से पॉपुलेशन दिखाई, चार बच्चों से पॉपुलेशन दिखाई, पॉपुलेशन की वजह से वो गरीब है। हाँ। मतलब वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, उसके बच्चे बहुत ज्यादा हैं। हाँ। गरीब है वो, इसमें रहता है स्कूल। हाँ। इसलिए बच्चों को भेज नहीं पा रहा, ऐसा थॉट था मेरा। आर्टिस्टिक थॉट, आर्टिस्ट ही समझ सकता है भाई। तूने वो देखा है? हाँ। मैं तो सोचता हूँ फ्लाईओवर के नीचे रंग बिरंगे वो बना देते हैं, बना देते हैं वो बना दिया, उसमें वो बना दी हड़प्पा संस्कृति टाइप के वो चिन्ह बना दिए। अब सोच सभ्यता हमारी खत्म हो जाए, आज से 500 साल बाद ये निकले तो लोग ये क्या बनाया इन्होंने, ये क्या कहना चाहते थे? नहीं, या फिर वो मानेंगे कि 500 साल पहले तक हड़प्पा सभ्यता थी। नहीं, वो उससे उन्हें तो ये लगेगा कि भाई कुछ लिखा होगा इन्होंने समझाने के लिए। हाँ, क्योंकि उस जमाने में तो राइटिंग आ गई थी। हाँ, उस जमाने में तो। और हो सकता है कि हड़प्पा में जो हम बोलते हैं कि यार हम ये उनकी सभ्यता पढ़ नहीं पा रहे, जो अपने सिंधु घाटी वाले थे, इनकी लिपि नहीं पढ़ पाते, वो वैसे डिजाइन बना के चले गए। सिर्फ कूल बना, एब्स्ट्रैक्ट कुछ घर के बाहर उन्होंने डिजाइन बनाया, अब हमारे हम लगे पड़े सालों से भाई ये लिखना क्या चाहते थे। ये हो सकता है, इस तरीके से सोचा नहीं है किसी ने। हाँ। मुझे एक बार रंगोली कंपटीशन में सेकंड प्राइज मिला था और मेरा कंट्रीब्यूशन रंगोली में था कि रंग मैं खरीद के ले गया था। लड़कियां बना रही थी, बेस आपने बनाया, बेस मैं उसमें फंडिंग थी मेरी, मेरी फंडिंग थी भाई, लिटरली आप तो शार्क हैं, मैं लिटरली मेरी फंडिंग थी। बट ये मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं या अभी रिसेंटली जो पास आउट हुए, तो क्या अब डिबेट्स के और ये सब के टॉपिक अब बदले कि नहीं बदले? अब क्या टॉपिक चल रहा है? हां, जैसे हमारे यहां तो यही जनसंख्या विस्फोट, इंटरनेट पॉल्यूशन, ये सब चीजें अभी भी चल रही हैं, बट क्या नए टॉपिक्स आए हैं कि मैं देखता था हर साल सेम ही वो आ रहे हैं। फाइनली दोस्तों, जिस शो की हम बात कर गए थे पिछले एपिसोड में कि करेंगे हम, जिसका रिव्यू वो है जो शुभम पहले रह चुका है, मैं पहले बचपन से इन्वेस्टमेंट लगा के, ओ यार मैं शार्क है, शार्क था भाई, मैं रंगोली शार्क। तो रंगोली शार्क का शार्क टैंक इंडिया का सीजन 2 आ चुका है, देखना शुरू कर दिया है हमने, जितने एपिसोड आए और हमसे रुका नहीं गया, हमने कहा कि हम बात करके रहेंगे, हम इसकी अभी बात कर लेते हैं, आपस में करते रहते हैं। हाँ, तो आपके साथ भी जरा शेयर कर लें। और मतलब मुझे देखने से ये लग रहा है कि
बन चुका है इंडियन आइडल, बन चुका है केबीसी, मिलो ड्रामा भारतीय, भर भर के ड्रामा उसमें घुसा दिया है जो बिल्कुल लैंड नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दिस सीजन जो पहले का सीजन था और उसने जिस तरह ऑडियंस बटोरी थी, जिस तरह वो पॉप कल्चर का पार्ट बना था, इट्स नॉट हैपनिंग। खोदी खोदी खोदी। तो जिन लोगों ने पहला सीजन नहीं देखा है, हम आपको बता दें कि फॉर्मेट पे तो हम बाद में आएंगे। शार्क्स इस बार कौन है, शार्क्स का हम बता देते हैं, कौन कौन है इस बार? मोस्टली पुराने शार्क्स ही हैं, कुछ एक दो लोग हैं जो नए आए हैं, जो गए हैं। हाँ। तो बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से। नमिता थापर हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ हैं, मालकिन है, और उनकी एक भाई अभी मस्त कंट्रोवर्सी आई इंटरनेट पे, तो ऐसे ना उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक स्टोरी आई, ठीक है, और उसमें ऐसा था कि उनकी मतलब ऐसा कोई फोटो ऐसी वो नहीं थी, नॉर्मल फोटो ही थी, घर की फोटो थी, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि दिस इज नमिता सन अपलोडिंग दिस पिक्चर एंड शी इज़ नथिंग लाइक व्हाट शी लुक्स ऑन कैमरा, एंड बायो भी चेंज कर दिया उसने अपने माँ के अकाउंट का कि वर्स्ट मॉम वर्स्ट वाइफ, ऐसा सब लिख के डाल दिया। कुछ घंटे रहा फिर फाइनली उन्होंने नोटिस किया होगा ऐसा हुआ, तो उनकी साइड से एक्सप्लेनेशन इतना फुद्दू आया ना, मतलब कि हमारा एक एजुकेटेड हाउस हेल्प फोन चुरा के भाग गया, अच्छा, और उसने ये सब कर दिया, एंड दिस इज द प्राइस यू पे फॉर बीइंग फेमस। वो मुझे मम्मी मानता था जिसको मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाई, इसलिए वो नाराज हो गया। ओह दिस इज रियली गुड। चलो ठीक है भाई, अब क्या ये अलग अलग एक्सप्लेनेशन थोड़ा बेटर हो सकता था यार, कुछ भी इससे पता लगता है कि हाँ ये हल्का है थोड़ा, मतलब मुझे तो बॉलीवुड की फिल्में याद आ गई पूरी। हाँ हाँ, अमीरों के बच्चों की तो ये प्रॉब्लम होती है भाई। मतलब मुझे लगता है कि गरीब को ही लगता है कि पैसा सॉल्यूशन है, अमीर को नहीं लगता पैसा सॉल्यूशन है, अमीर को और भी कुछ चाहिए जो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है उसको, बस चाहिए उसको। हमारे पापा भी कौन सा ध्यान देते थे, वो बेचारे काम में लगे रहे, हम शिकायत क्या करें, ये पता है भाई, थोड़ी उनकी दुकान पे जाके लिखा है बस दुकानदार बस पापा, ये थोड़ी सोल्यूशन है भाई, रात को दो आगे हम में लगेंगे और क्या, अगले दिन हम नॉर्मली काम करेंगे। बट यस, नमिता के अलावा अनुपम मित्तल है, वो शादी.com के फाउंडर और ओला में इन्वेस्टर है, पीपल्स ग्रुप, नौकरी.com, मकान.com सब बना दिया उन्होंने, बहुत सारे .com बिजनेस उन्होंने बनाए हैं, सबसे सीनियर है आई थिंक उनमें, एज वाइज सीनियर है, हाँ। और फिट काफी है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शार्क है वो इन सब, हाँ इन सब में पॉपुलर, डिफाइन करता है आप किसे पॉपुलर मानते हैं, वैसा भी है थोड़ा, बट हाँ मतलब उसमें बात करेंगे, मतलब अगर तू देख किसी का अगर ट्रोल भी होता है ना तो अनुपम मित्तल सबसे कम ट्रोल होते होंगे, ऐसे वाला, हाँ मतलब फिर भी काफी ऑब्जेक्टिव बातें करते हैं। हाँ। उसके अलावा शुगर की फाउंडर हैं विनीता सिंह, काफी इस तरह से बातें करती हैं वो, और उनको लगता है कि ऐसे सवाल पूछ लेंगी तो थोड़ा सा सीरियसली ले लेगा कोई उनको, लेकिन वो भी अब हमने तो अभी प्रोडक्ट उनके यूज़ किए नहीं है, वो नहीं होती इस सीजन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ओवरऑल, मतलब ऐसा वाला है, ठीक है। उसके अलावा है पीयूष बंसल जो कि लेंसकार्ट के मालिक है, उनसे बड़ा तो कोई वो नहीं है, क्या बोले उसको, फिलेंथ्रोपिस्ट, लेंसकार्ट जितने पैसे भेजता है हमारे खातों में 10,000 रुपये आ गए, वो ये साइड तो उनकी दिखाई नहीं गई है, सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं भाई वो, 10,000 और हर मौके पर भेजते हैं, उनका ऐसा चलता है कि दिवाली भाई 30 त्यौहार मम्मी पापा दादा दादी छोड़ देते हैं, नहीं नहीं चल अभी इसको, अभी रक्षाबंधन गया था इसको, क्या दिन 4 दिन बाद भी आ गया, लेंसकार्ट की तरफ से आपको शगुन जरूर आता है, आपको छोटी दिवाली में भी देगा, बड़ी दिवाली में भी देगा, गोवर्धन में भी देगा, दो त्यौहार कोइंसाइड करें दोनों का अलग अलग देगा, वो है कि जिनके काम से पूरे देश का फायदा हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो देश अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो वो लेंसकार्ट 4 ट्रिलियन तो हमारे लेंसकार्ट बोनस में है, 1 ट्रिलियन रियल मनी है, 4 ट्रिलियन हमारा लेंसकार्ट के वॉलेट में हमारा पड़ा है, वो भी काफी ऑब्जेक्टिव सवाल रहते हैं उनके, हाँ वो मुझे काफी सही लगते हैं, क्योंकि वो काम की काम ज्यादा बातें करते हैं, हाँ मुझे लगता है उनसे तो उन सब चीजों के लिए मांगे जा सकते हैं कि सर ये 3 साल से 10वीं में फेल हो रहा है, 800 रुपए में कह रहे हैं नकल से इसका पेपर लीक हो जाएगा, इसके गुरुजी कह रहे हैं कि 600 रुपए में निकलवा दे, इसको दे दो, अब आप पलटी नहीं मार सकते कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही है, अब अपने को पैसे चाहिए अब इसके लिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो काफी इन्वेस्ट करते हैं, मैंने एक बार वो ही पकड़वा दे नकलची, नकलची नहीं पूरा पेपर स्कैंडल हो रहा है, ओ विसल ब्लोअर, वी हैव अ विसल ब्लोअर, इसके बाद मेरे को लौंडे पीटने के लिए घूम भी रहे थे, मैं बच गया था, पिटना भी चाहिए भाई तू क्यों किसी का काम बिगाड़ रहा है, अबे एक लड़का मेरे को आके बोलता है कि भाई मेरे पे ना ये सब तब की बात है जब स्कूल के अंदर ही पेपर सेट होते थे मिड टर्म वाले, और 6ठी 7ठी में शायद था, इतने कोई स्टेक्स भी हाई नहीं थे यार, असली में करने देता चीटिंग किसी, मैं स्कूल के ही टीचर के पास ट्यूशन पढ़ता था, तो एक लड़का मेरे को आके बोलता है मेरे को उस टीचर ने पेपर दिया, मैंने सर को बताया, मैंने कहा सर आपने पेपर दिया, कह रहा कौन बोला, मैंने वो बोला कर चल मेरे को घर लेके चल, अब भाई मैं सुधर लेके गया, दरवाजा खटखटा रहे हैं वहाँ पे,
वो निकल के आया, वो था नहीं लड़का, उसकी मम्मी अम्मी आई, उन्होंने थोड़ा हल्ला वल्ला किया कि ऐसे पेपर लीक करा रहा, मेरा नाम लगा रहा है, जबकि वो भी करते थे। अच्छा करते थे। करते थे। और मैं क्यों ट्यूशन पढ़ूंगा उनके पास, ये कह रहा है कि इसने आपसे पेपर लिया। अच्छा जबकि पेपर दे थे ट्यूशन, जबकि आपने तो अभी तक दिया ही नहीं है। सर जी भी क्या कर सकते, वो तो खुद निकाल के देते हैं। फिर वो लॉर्ड ने प्लान बनाया कि इसकी पिटाई, हम सर से पिटे तो हम इसको मारेंगे, इसको मारेंगे। इसके अलावा है भाई अपने बोट वाले अमन गुप्ता, वैसे ही जैसे पिछले सीजन में थे वही भाई। मतलब इफ दिल्ली वाज अ पर्सन, दिल्ली अगर एक इंसान होती ऐसी दिखती सच में। पिछले सीजन तक यह होता था कि हाँ भाई लोग आते थे, अपने धंधे की बातें करते थे, बताते थे उसके बारे में, पढ़ता था, सवाल जवाब होते थे। हाँ, और एक इधर भाई अश्नीर भाई बैठे होते थे जो उधेड़ते रहते थे, जो मतलब वो सवाल पूछते जो हमारे मन में भी आते थे। हाँ, क्या आइसक्रीम वाला आया है, अभी तेरी दिल्ली में दो दुकान है, तुझे अमेरिका में क्यों खोलनी है। वो प्रॉपर डांटते थे, जो हमें भी लगता है कि भाई अगर बात करेगा तो डांटो ना इसको, बिल्कुल। हाँ, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है हमारा। इस सीजन लेकिन मुझे लग रहा है भाई कमान उन्होंने सौंप दी है पूरी की पूरी, एकदम इंडियन आइडल केबीसी का जो बनाते जो बनाने वालों शो शुरू इससे हो रहा है कि दो औरतें झाजी अचार चलाती हैं जो पिछले सीजन ऑलरेडी आ चुकी हैं और उनको पता नहीं है उनके घर में कैमरा टीम आ रखी है, सब इंटरव्यू ले रहे हैं, पीछे से आती हैं वो और उन्हें पूरी एक्टिंग करने के लिए बोला गया है। भाई आंटी घर में छिपकर लिया जाए, आंटी को पता चल जाता है यहाँ पूरी पूरी कैमरा टीम आ रखी है, वो नकली एक्टिंग अपनी कर रही है। और उसमें फिर फीमेल शार्क्स गई हैं, हम अपनी गलती सुधारने, दिख रहा है साफ एक्टिंग चल रही है, बना दिया उसको पूरा ड्रामा, ड्रामा कर दिया है। हाँ। कंटेस्टेंट बाद में आते हैं, उनकी ये भी पहले चल जाती है कि गांव में ऐसे खुदाई हाँ। करते हैं भाई, प्रॉपर गरीबी मतलब दिखाना कि इतनी स्ट्रगल, ये उनसे बोल रहे हैं चलो रोके दिखा दो। हाँ, सब हो रहा है ये नहीं। और इंडियन आइडल की तरह वो भी है, जैसे एक तो ये वाला हो गया कि गरीबी, जैसे इंडियन आइडल वाले कंटेस्टेंट नहीं देखते जो बहुत ही खराब गाते थे, अनु अली को हंसी आती रहती थी और गा ये सब चलता, तो इस तरह के कुछ फनी वो लेके भी आ रहे हैं। पिछले सीजन एजुकेट हो रहा था देश, पता चल रही थी बात। अब इस चक्कर में ना जो इतना वो दिखाने की उनकी स्टोरी और ये सब, वो एक पीछे इतनी लंबी हो जा रही है, बोर हो जा रही है। तीन पिच आती है एपिसोड में, इतनी दो उसमें रोंदू होती है, एक ढंकी होती है, बोरी लंबी लंबी बातें। अच्छा तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, फिर वो लंबी सी स्टोरी बता रहे हैं। नहीं जान रहे भाई, ठीक है बता दिया, ऐसे था ऐसे था वो, और उनको सब इंटरेस्ट है पूरा जानना है वो, मतलब एकदम आंटियां उसमें पूरी गॉसिप जाननी है, सब बताओ उनको। बहुत डिरेल कर दिया बिजनेस से इस बार इन्होंने। और एक तो ऐसे मतलब एक तो उसका ना मुझे वो शो के शूट वाले फॉर्मेट से दिक्कत है, साफ दिखता है कि ये हंसी दो मिनट पहले भी लगाई थी, जैसे किसी ने इमोशनल बात बोली हर बार वही, क्योंकि वो शूट एक बार ही किया है, वो रिएक्शन काट काट के वहां पे जोड़ा जा रहा है। और ये इतना अभी स्क्रिप्टेड भी बहुत लगने लगा। मैं तेरे को बताऊं एक इंसिडेंट, एक बंदा आया था, लड़का था जिसकी पिच बच्चे ने सुनाई थी, है ना, अमन ने उसको बोला बोलते ही कि आप बेटा जा सकते हो। हाँ। और जब वो गया तो उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने एक ट्रेजिक सी स्टोरी सुनाई जो उस बच्चे के सामने बड़ी सेंसिटिव हो जाती। हाँ। समझ रहा है। हाँ। पहले उसको बोलते कि तुम चले जाना, वरना नहीं भेजता वहाँ, पूरे मजे करते हैं बच्चे के साथ, बच्चे के रहते हैं। दूसरे एक दो बच्चे आए बाद में, एक लेडी के साथ किए भी हैं, करे भी हैं, क्योंकि इन्हें पता रहता है भाई पहले से क्या होने वाला, ट्रेजिक स्टोरी आने वाली है, तो आप बच्चे को ज्यादा भेजते, क्योंकि अभी तो पता है क्या स्टोरी है। मतलब पकड़ लेते भाई, अब स्मार्ट है। मैं इस बिजनेस में इसलिए नहीं लगाऊंगा, क्यों दोस्तों ने लगा रखा है, मैं इस बिजनेस में इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मेरा ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। तो फिर लगाएगा कौन से में, या तो तू उसमें ऑलरेडी है या तू उसमें नहीं है। नहीं इसीलिए क्योंकि आता नहीं है। और क्यों नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों भाई फिर बचा कौन सा बिजनेस, क्या लेके जाए हम। अब इस बार पॉप कल्चर में नई मीम्स निकल के आ रहे, कुछ नहीं हो रहा है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होते शार्क्स में आपस में, इतना जॉली नेचर, इतना प्यार है कि अच्छा लगा हमको अच्छा लगा। अरे कोई तो हो सकता है जो खराब लगे, कुछ तो करो, वो इतना प्यार दिखाने के चक्कर में। और वो ड्रामा भी ना बिल्कुल लैंड नहीं करता, जैसे पिछले साल भी ऐसा होता था कि जब किसी बात पे किसी को गुस्सा, और बाकी शार्क्स ने भी पर्सनालिटी चेंज की अपनी, ऐसा नहीं है कि एक शार्क के जाने से कुछ हो गया है, वो भी बड़े स्वीट और ऐसा बन रहे हैं जो कि पिछले सीजन तक वो नहीं थे, नहीं थे। और कहीं पे ऐसा माहौल बनता है, वाला म्यूजिक आता है कि लगता है अब इसकी मारने वाले। अगले सवाल में हंस के बात कर लेते हैं भाई, डांट हो ना कोई बंदा वहां पे आपके सामने गलत नंबर पेश कर रहा है, वो पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको डांट तो पड़ेगी। हमें ऐसे ऑडियंस दिख रहा है कि देखो चालू बन रहा है। भाई है भाई, पिछले सीजन में अश्नीर डांट देता था, नहीं यार बाकी लोग भी डांट, मजा आ जाता था, अपनी इमेज अच्छे, हम बहुत अच्छे इंसान है के चक्कर में, तो अच्छे इतना शो आपका अच्छा नहीं रह गया अभी, नहीं रह गया। तो अगर आपने अभी तक देखना शुरू नहीं किया, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, जो कुछ ऐसी बढ़िया क्लिप होगी वो ऐसी इंटरनेट पे आ जाएगी, उसे और हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाएगी, अच्छी चीजें तो कॉमेडी वॉमेडी वहाँ चाहिए वहाँ मिल जाएगी, वहाँ मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते या शायद इसी हफ्ते, यू नेवर नो।
कुछ कुछ अलग भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लाइक ही लाइक, शेयर शेयर, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब। साइनिंग।